जय माता रानी की। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो जैसे आपको पता होगा, आपने अगले ब्लॉक में देख लिया था कि मैं दिन में हम गए थे माता के दरबार, और अभी हम रात को एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो देखिए, अभी हम टीका चंदन लगा रहे हैं सब पे। तो अभी ससुर जी पे मैं टीका लगा रही हूँ, और ससुर जी का आशीर्वाद लेते हुए, और अब मैं अपनी सासू माँ पे टीका लगाऊंगी। और मेरी सासू माँ मुझे कैसे आशीर्वाद देती, देखिए। जय माता रानी की। जय माता रानी की। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम आप सबको। तो जैसे कि आपको देखा था आपने अगले ब्लॉक में, जो दिन का ब्लॉक आप लोगों के सामने आया था एनिवर्सरी का, तो हम गए थे माँ दुर्गा के मंदिर में, दुर्गा मैया के श्री चरणों में आशीर्वाद लेने। और आज हम वहाँ पे गए तो हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे माता रानी के दरबार में जाके। और अभी शाम का टाइम है, और तो जो आजकल पार्टी सार्टी चलती है तो वो अब चल रही है। और आज मैंने साथ में बुलाया ढेर सारे सासु लोग। तो सासु लोग सारे देवर भी भाभी, ये देवरों की बहन देखो इधर। लाइक कमेंट दादा दादी यानी सास ससुर जी वहाँ पे बैठे हुए हैं।
आज ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने मतलब छोटा छोटा सोचा था लेकिन बहुत बड़ा हो गया है कि इतना नहीं सोचा था इतना बड़ा करूंगी, क्योंकि तबीयत आप लोगों को पता है खराब चल रही थी, पर माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं इतना ठीक हुई हूँ। और आज मुझे सब सासु लोगों को एक साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वीडियो में आते रहते हैं और आप लोगों के कमेंट, आप लोग कमेंट करते हो कि सासु लोगों को नहीं बुलाते हो, आप तो बुला दिया है भाई, हम आप लोग तो सब सासु लोगों को बुला दिया है। और बाकी सासु लोग बोल रहे थे कि नारे गांव में गए थे तो तेरी वजह से हमारी जान पहचान भी हो गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग बोलते हो कि हमने आपको दीपाने की पहाड़ी के ब्लॉक में देखा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमने यहाँ पे केक काटना स्टार्ट कर दिए, कर रहे हैं अभी, तो आप कुछ बोलोगे ना? बस कुछ नहीं, जय माता रानी, ये तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो चलिए अभी केक काटना स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो कैंडल्स वगैरह जलाई रहती हैं, तो जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं या कुछ खुशी का माहौल मनाते हैं तो हमें कैंडल बुझानी नहीं चाहिए, कैंडल को उठा के एक जगह पे रख देना चाहिए, क्योंकि ये हमें आगे उज्जवल भविष्य की कामना ही करते हैं और हम इन्हें बुझा के अपमान नहीं करना चाहते, तो इन्हें कोई भी ना बुझाए। मैं अपने बच्चों का बर्थडे मनाती हूँ कुछ भी, तो मैं कहती हूँ कि कैंडल कभी मत बुझाइए, कैंडल बुझाना अशुभ होता है, तो कैंडल को जलाए रखे और कैंडल को निकाल के एक जगह पे रख सकते हो आप लोग, लेकिन बुझानी नहीं चाहिए। जय माता दी। हैप्पी बर्थडे। इन सबको कंफ्यूज हो रहा है कि ये क्या बोले, क्योंकि आज तक बर्थडे ही मनाते हैं तो बोले हैप्पी बर्थडे टू, अब बोले थे क्या सबसे अच्छा तरीका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी अभी दादाजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और दादाजी अभी कैसे लग रहा आपको? मेरे को बहुत बढ़िया लगा, बहुत खुशी जी, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे लग रहा था कि ससुर जी की तबीयत आप लोगों को जैसे पता है कि खराब ही रहती है, तो मुझे नहीं लग रहा था आप यहाँ पे आओगे, तो ससुर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए, और मेरी प्यारी सासू जी कहीं बढ़िया लग रहा आपको? मैं तो बहुत बढ़िया लगी, माता रानी खुश नहीं सुविधा क्या था, मैं क्या ली ये ना कुछ नहीं लाई, आशीर्वाद यार, आशीर्वाद था मेरा, मेरे आपका आशीर्वाद ही बहुत है, बस कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, यही मेरे बहुत है। कैसे लग रहा आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ पे आए, सच बहुत अच्छे। अभी सासु लोगों को ना चाहेंगे को चलो, तो तब फोटो खींचते हैं हमने, खुश है खुश है। आ गए और मुझे नहीं पता क्या लेके आए हैं, गिफ्ट लेके आए, पता नहीं पैसे कहाँ से आए रे, पता नहीं किसने दिया, अरे हो जाता वो हमने आप इंतजाम। तो चलो तब दिखाओ तब क्या है वाला गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच, ये भाई आज दीजिए, ये थैंक यू, मैं भी ले तो हूं अभी, क्या मैं भी ले, यो पूरी तो यार, ये भाई ये क्या था, ये भाई जी वाला ये बस क्या चीनी है थी, अरे राम या देव का ये खर्च क्या करूं तुम, तब ये मैं पूछनो तो तुम्हें किना जुआ का ना लगा, मैं क्या कर, थैंक यू नमस्ते बाबा, हेलो ये भाई पापा के लिए लेके आया साल तो, ये तो सच में माता रानी का सम हमें नहीं पता था कि हमारे बच्चे क्या लेके आए, पर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों के लिए, और मेरे कैमरे पे बुजड़ा लगा के लाए, हाँ सीसीटीवी कैमरा, भाभी हार भी दिखा दो, हार भी है, हार भी दिखा दो ना बाहर थोड़ा, सुनो सुनो चले चले अपोर्ट।
तो अभी हम सब यहाँ पे केक काट के बैठ रखे हैं और आगे बन रहा है खाना। देवा लोग बना रहे हैं आज का खाना। मैंने रोटी बनाई और ससुर जी को दी और हम अब खाना बाद में खाएंगे। पहले हम थोड़ा नाच गाना करते हैं और ये लोग भी अब थोड़ा डांस करेंगे। देवा गौर जाना ये रोड़ा ये फिर आज ये आज मजाक के बाद अभी सब यहाँ पे बैठे हुए। चल यार डांस कर जाना अब। चलो अब थोड़ा डांस करते हैं, नचाते हैं इनको थोड़ा सा। काफी टाइम बाद ऐसा टाइम आया है कि आज सब लोग एक इकट्ठा होके यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो चलिए थोड़ा सा नाच गाना भी करते हैं। मन भी मारूं है नच नच तुम्हें नाच चलो। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारे प्यारे से देवर जी लगे हैं पकौड़िया तलने पे। और आज तो मेरी छुट्टी हो रही थी खाना वाना बनाने की, क्योंकि मैंने रोटी बनाई और अपने ससुर जी को रोटी सब्जी खिलाई, क्योंकि वो रात को भात नहीं खाते हैं। और अभी देवर जी पूरी मदद कर रहे हैं, दो तीन देवर आ रखे हैं यहाँ पे तो यहाँ देखिए पकौड़िया तल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी, ये सब मेरी मदद कर रहे हैं। और एक देवर यह है, इनका नाम है राहुल। ये भी सब ये भी किस्मत की बात है कि आजकल सारे नौकरी पे जा रखे थे तो आजकल ही घर आए, एक दो दिन घर आए हुए। और ये देखो कोई यहाँ आराम फरमा रहा, एक देवर ही है। ये देखिए कृष्णा के साथ आराम से बैठ के फोन चला रहे और मदद भी बहुत सारी मदद करी है। थैंक यू देवर जी आपके लिए भी फोन चलाने पे लगे देखो। अभी देखें यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ये भी बैठ रखे हैं आराम से, ये दूसरे वाले कमरे में बैठ रखे हैं यहाँ पे देखिए। और ये देखें यहाँ देवर ये भी फोन चलाने पे लगे हुए हैं आराम से। यहाँ देखो यहाँ देखिए हेलो देवर जी, बस फोन में खोए हैं, कौन देखेगा देखो चलिए अब लेडीज पार्टी की ओर चलते हैं। महिला मंगल दल यहाँ पर बैठा हुआ है, ये आगामी 2025 के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। ये देखो विभिन्न विभिन्न गाँव की नारियां हैं, ये कोई किंजाणी की, कोई रवा की, कोई डूंगरी की, कोई बनरथोरी की, कोई पोखरी चौरासी की, कोई पोखरा वाले, अरे ये मेरी माँ जोंगी वाली, ये मैं घिंदोई वाली। नहीं तो डांस की है ना कुछ, खाली बैठे हो गपड़ी गपड़ी और होएगा जब मन लोड़ी वाला तो मकान में पड़ेगा। तो अभी देखिए अभी हम वो खाना खा रहे हैं। ये लो टाइम कथे हम 11 बजे रात है खाना खिलाने वाले को देखेंगे ना। और ये हम आज इनको खाना खिला रहे हैं भाभी जी के घर पे आके। फौजी साहब हमने कहा आज हमारी एनिवर्सरी है इसलिए हम आपकी सर्विस करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं। बहुत अच्छे छोले बना रखे है, चावल बना रखा है, बात बराबर का तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज की एनिवर्सरी बहुत याद रही क्योंकि आज सासु लोग आराम से यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं और कुछ सासु लोग अंदर को पकौड़ी मारे। टाइम 11 बज चुके हैं, ये मीन है, ये तो लगी रहती है मेरे सामने। अभी मैं इनको बोली हूँ कि तुंगनाथ का प्रोग्राम बनाओ, देखते हैं इन सासु जी का गोड़ नहीं रह गया, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच इन देवों के लिए जिन्होंने इतना किया। ए दूर धन्यवाद वाह,
थैंक यू बलियो ए ना इंदरा पर मुखड़ी दिखो बस थोड़ा बोल थैंक बहुत बढ़िया काय बारी मिले मास तो होता है चलो वो खेले हो ना पुरपा शुरू कर दे वाली मुदा काय बात लाल बाबा ने पर ले लो।